पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए हमीरपुर सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल परिसर में छात्रों में काफी उत्साह देखा गया और बड़े ही चाव से छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रोग्राम देखा। सुबह 11 बजे से शुरू लाइव प्रोग्राम के माध्यम से छात्रों ने परीक्षा के नजदीक पैदा हुए तनाव से मुक्ति पाने का मूल मंत्र सीखा तो सीधे संवाद से पूछे गए सवालों के जवाब पाकर भी जानकारी पाई। हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल परिसर में दो जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का लाइव दिखाया गया और इस मौके पर छठी से बारहवीं तक के छात्रों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रिंसिपल मंजू ठाकुर के अलावा अभिभावक और स्टाफ सदस्य भी मौजूद रहे। लाइव प्रोग्राम देखने के बाद छात्रों ने बताया कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम देखकर काफी कुछ सीखने को मिला है और मनोबल बढ़ा है। उन्होंने बताया कि कई सवालों के जवाब इतने अच्छे थे जिनको सुनकर मन शांत हुआ है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा से लगने वाले डर को भगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही अच्छे से जानकारी दी है। बॉयज स्कूल का नॉन मेडिकल में पढ़ता हूँ और जो हमारे स्कूल में आज परीक्षा पे चर्चा 2.0 मतलब हमें दिखाया जा रहा है वो एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है जिससे कि बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे। और जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन था कि जैसे बच्चे फेल वगैरह हो जाते हैं, मोदी जी ने हमें बताया अगर कोई फेल हो जाए तो उसके जो पेरेंट्स हैं उसको मोटिवेट करना चाहिए, ना कि ऐसे कि वो फेल हो गया उसके ऊपर उसको डांटना चाहिए, ताकि उसको मोटिवेट होकर वो दोबारा तैयारी करे और आगे जो है वो मतलब आगे वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करे और उस एग्ज़ाम्स को दोबारा देकर वो बढ़िया तरीके से। और इससे मतलब ये जो चीज़ लाई हुई है परीक्षा की चर्चा, इससे मतलब हर एक बच्चे को जो है कि उस उनके साथ इंटरेक्शन करने का एक मौका मिल जाता है, जिससे भी मोदी जी जो है मतलब हमारे डायरेक्ट मतलब कि हम अपने क्वेश्चन जो है किसी बड़े बंदे के सामने रख सकते हैं जिसका हमें आंसर मिले, जो भी अपने मन में हो उनके सामने रख के हमें मतलब उस चीज़ के प्रति मतलब जागरूकता मिल जाती है। आज हमें श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि हमें परीक्षा में कैसे तैयारी करनी चाहिए और उससे डरना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई परीक्षा पे चर्चा 2.0 एक बहुत अच्छी है। इससे हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आगे बढ़ते रहें। जैसे कि जब कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसके माँ बाप उसे डांटते हैं और उसे मोटिवेट नहीं करते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा बताया जा रहा है कि उन बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो आगे जाके अच्छे रिजल्ट दे सकें। जो ये प्रोग्राम मोदी जी द्वारा चलाया गया है कि हम अपने एग्ज़ाम फियर को कैसे रिड्यूस करें, ये बहुत ही अच्छा है। इससे हम परीक्षा में अपना फियर जो है उसको कम कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा को उत्सव की तरह मनाना चाहिए, इससे हमें बहुत ही इंस्पिरेशन मिली है और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। उन्होंने तरह तरह के तरीके आए हैं कि हम कैसे अपना एग्ज़ाम फियर रिड्यूस कर सकते हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने एग्ज़ाम फियर के ऊपर एक जो बहुत अच्छा विषय चलाया है, हम उसे देख के बहुत अच्छे मोटिवेट हुए हैं। हमें उसे देख कर ये प्रस्तुत हुआ है कि कभी भी हमें परीक्षा से डरना नहीं चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ही हम यह प्रोग्राम देख रहे थे और उससे हमें एक ऐसी शिक्षा मिली कि कभी भी किसी से भी कोई डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप बाई चांस फेल भी हो जाते हैं तो कभी भी आपके पेरेंट्स को ये नहीं बोलना चाहिए कि आप फेल हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप हमेशा अपने अंदर एक इंस्पिरेशन जगाओ कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं और आप आगे जाके बहुत अच्छे सफल हो सकते हैं। वहीं स्कूल प्रिंसिपल मंजू ठाकुर ने बताया कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को स्कूल के छात्रों ने खूब दिलचस्पी दिखाई और इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने बताया कि कई बार अध्यापक और अभिभावक भी बच्चों को सिखाने में चूक जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस तरह लाइव तरीके से बच्चों को जानकारी देना बहुत ही बढ़िया है और ऐसा बार बार होना चाहिए। जो आज हमारे विद्यालय में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लाइव टेलीकास्ट परीक्षा पे चर्चा चल रही है, उसको हम सभी बच्चों को छठी से लेकर प्लस टू तक के सभी बच्चों को दिखा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है जब परीक्षा के ऊपर या शिक्षा के ऊपर इस तरह की चर्चा होती है, क्योंकि शिक्षा एक बच्चे का जो मोटिवेशन है, चाहे वो शिक्षा के प्रति है चाहे वो परीक्षा के प्रति है, एक बच्चों को प्रेरणा मिलती है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों को दिल से मन से, जैसे जो भी बच्चों के परीक्षा से रिलेटेड हो, चाहे वो
माँ बाप से रिलेटेड हो, अभिभावकों से रिलेटेड हो, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों की बात समझते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, प्रेरित करते हैं कि पढ़ने के लिए जो है वो या परीक्षा से रिलेटेड जो है वो बच्चों के ऊपर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है जो हम लाइव टेलीकास्ट बच्चों को दिखा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि जो बातें टीचर्स भी नहीं बता पाते हैं, बच्चों के पेरेंट्स भी नहीं बता पाते हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रकार के प्रोग्राम जो हैं वो बार बार बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये बच्चे जो हैं हमारे समाज का भविष्य हैं, कल को इन्होंने देश की बागडोर संभालनी है, तो शिक्षा परीक्षा के प्रति चाहे शिक्षा के प्रति है, एक बच्चे का विकास होना उसी तरीके से ज़रूरी है कि फोकस जो है वो सिर्फ परीक्षा के ऊपर किस तरह से होना चाहिए। परीक्षा जो है वो शिक्षा का अभिन्न अंग है और बच्चों को जो है वो उस परीक्षा से के स्ट्रेस से, उस परीक्षा के भय से जो है वो हमने कैसे मुक्त करना है, हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे हम सभी बच्चों को भी दिखा रहे हैं और हम अपने टीचर्स को भी दिखा रहे हैं, हम बहुत प्रेरित हो रहे हैं इस चर्चा से। थैंक यू।